आप देख रहे मॉर्निंग स्टार, एक बार फिर आपको शो में खुश आमदेद कहते हैं। वक्त हुआ जाता है चमकते चेहरे का, और आप लोगों के चेहरे चमकाने के लिए हमारे साथ है बहुत ही पुरकशिश हिनानी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज क्या कर रहे हैं बिना? आज हम कुछ ऐसी रेमेडीज बनाएंगे जो कि अनार से बनेंगी। तमाम एक अनार सौ बीमार, ये वाकई बात हकीकत है। यानी एक अनार सौ बीमारी का इलाज है। बेहतरीन, जबरदस्त। और आज तो मेरे पास टाइम कम है, तो इसलिए मैं कुछ तीन चार बीमारियों पे मेनली बात करूंगी, लेकिन वो बहुत ही बेनिफिशियल है। अनार एक ऐसा फल है जो इस सीज़न में आया है, तो आपको मैक्सिमम उसे कंज्यूम करना है, चाहे वो जूस की शक्ल में हो, चाहे वो अनार के दाने निकाल के खा लें। क्योंकि मैंने जूस इसलिए सबसे पहले कहा कि बच्चे अक्सर जब दाने होते हैं ना, तो उनको बीज लगते हैं, खट्टा लगता है, कोई ये शिकायत करता है कि अनार खाने से मेरा गला ख़राब हो गया। तो एक अनार के जूस की रेसिपी तो मैं स्टार्टअप में ही देती हूँ, जो तकरीबन हर बीमारी में आपको काम आ सकती है। एक अनार के आपने दाने निकाले, उसमें दो खजूर ली, थोड़ा सा पानी डाला, ब्लेंडर में इसको ब्लेंड कर लिया, और थोड़ी सी देर ब्लेंडर में ही जूस को रहने दें, जो बीज है ना वो खुद ही बैठ जाएंगे नीचे। फिर आपने ग्लास में निकाल के बच्चों को दिया। बिलीव मी और नॉट, ना आपको इसमें शहद डालने की ज़रूरत है, ना चीनी डालने की ज़रूरत है, ना कोई नमक, ना कोई और फ्लेवर। वो खजूर ने उसमें थोड़ी सी मिठास कर दी, गला भी दर्द नहीं होगा, और आप बेहतरीन फ़ायदे उठा सकेंगे अनार के। तो ये आज है मेरी टिप नंबर वन फॉर ऑल फैमिली मेम्बर्स। इसमें बच्चे भी लेंगे, बूढ़े भी लेंगे, मदर्स फादर्स सब लेंगे। तो ये बेस्ट रेमेडी है आज की, ठीक है ना? अच्छा, अब अनार के तो इतने फ़ायदे हैं कि मैं सेकंड ब्रेक में आपको स्लाइड दिए, बल्कि स्लाइड तो अभी ही आ गई हमारे पास। चलें जी, अब इसके फ़ायदे ये तो बहुत कम लिखे हुए हैं यहाँ पे इससे ज़्यादा इसके अनार के मेरे पास फ़ायदे मौजूद हैं, जो मेरी नॉलेज में इस वक्त हो सकता है कम हो, लेकिन मैं उसे और भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ। अनार दिखने में कितना खूबसूरत फल है, इसीलिए तो इसको जन्नत का फल हम कहते हैं। तो क्या है? रिच इन मिनरल्स एंड वाइटमिन्स, यानी तमाम मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अक्सर नहीं मिल रहे होते हैं। मिनरल्स और वाइटमिन्स की कहीं ना कहीं कमी हो रही होती है, हमें हमारी स्किन ख़राब हो रही होती है, तो वो तमाम आपको अनार में मिलेंगी। पॉलीफिनॉल्स हैं, यानी आपके एक एंटी कैंसर है, आगे एक आएगा, ठीक है। वेट लॉस, अनार वेट लॉस में मदद करता है। हाई इन वाइटमिन सी है, ठीक है, पेट भर देता है। गुड उसमें अमाउंट ऑफ शुगर यानी फ्रक्टोस मौजूद है, आपकी मीठे की क्रेविंग ख़त्म कर देता है। मतलब अगर आप एक अनार एक वक्त में ले लें, तो मुझे लगता है इट्स अ गुड मील रिप्लेसमेंट, ठीक है। लोअर ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को कम करता है, आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उनको डायलेट करता है, रिलैक्स करता है। देखिए, ब्लड प्रेशर हम सब में ही है, किसी का हाई हो जाता है, कभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, स्ट्रेस बढ़ गया एनवायरमेंटल स्ट्रेस की वजह से, किसी का लो हो जाता है फटीक की वजह से, बहुत सारे ऐसे हमारे बॉडी में डिसऑर्डर्स हो रहे होते हैं। तो जो अनार है उस ब्लड प्रेशर को बैलेंस कर देता है, बिल्कुल सही कर देता है, ना लो रहने देता है ना हाई रहने देता है। अच्छा, एक कॉलर है शबाना फैसलाबाद से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम शबाना। हेलो जी शबाना, क्या सवाल है आपका? हेलो, आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई है जी। आगे आते हैं, अब स्टमक डिसऑर्डर्स में बहुत अच्छा है, यानी पेट के जितने अमराज हैं उसमें अनार बहुत अच्छा है। अनार के छिलके से लेके उसकी जो ऊपर जो उसका स्टैंप लगा हुआ होता है, जिसको हम ऐसे काटते हैं, वो और उसके दाने अलग अलग पेट की बीमारियों को ठीक कर रहे होते हैं। यानी जो ऊपर का उसका जो क्राउन होता है, क्राउन कहते हैं ना उसको, अगर धो के अच्छी तरह पहले धोएं, सोक करें, पानी में धोएं, धोने के बाद उसमें दो तीन कड़ी पत्ते डालें और उसका पानी उबाल लें। पानी उबालने के बाद जिनके बच्चों के पेट में कीड़े हैं उनको ये पिलाएं, जिनको बिला वजह, छोटे बच्चे हैं उनको बिला वजह दर्द होता रहता है, रोते रहते हैं, उनको थोड़ा थोड़ा टेंटेन एमिल दें, बहुत फर्क। ड्रॉपर से दे दें, कुछ भी दे दें, एज पे डिपेंड करता है, चम्मच से पी सकें वो दे दें, शॉट ले सकें, छोटे कप में पी सकें तो वो ले लें, 10 ml इज मैक्सिमम। अच्छा, आगे आते हैं, प्रिवेंट कैंसर, हाई इन पॉलीफिनॉल्स,
इट्स द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट फॉर कैंसर. कैंसर के पेशेंट्स की डाइट में हम अक्सर मीठा, ग्लूकोज, ये चीज़ें, फ्रूट्स भी बहुत हद तक बंद कर देते हैं. बट अनार इज़ द ओनली फ्रूट के जो कि कैंसर के पेशेंट्स को भी हम देते हैं. अनार और ब्लूबेरीज, ये दोनों हम कैंसर के पेशेंट्स को देते हैं, जस्ट बिकॉज कि ये बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में सारे जो कैंसर सेल्स हैं उनको मारने में मदद करता है, डिटॉक्स करने में उसको मदद करता है बहुत ज़्यादा. क्योर डायबिटीज़, अच्छा डायबिटीज़ में भी यही होता है कि हम बहुत सारी मीठी चीज़ें ऐसी नहीं खा सकते. अनार इज़ द बेस्ट फ्रूट क्योंकि वो आपके शुगर लेवल को बैलेंस करेगा, स्पाइक तो करेगा ही नहीं, आपकी क्रेविंग्स ख़त्म होगी. आपको डायबिटीज़ के लिए जो फटीक हो रही है, डायबिटीज़ में स्किन डिसऑर्डर्स बहुत हो जाते हैं, नेल टो फंक्शन हीलिंग स्लो हो जाती है. तो इट्स अ बेस्ट फ्रूट फॉर डायबिटिक पीपल. आपका ग्लूकोज लेवल बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, आप इसको खाएं और फिर चेक करें अपना इंसुलिन लेवल, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा. इम्प्रूव बोन क्वालिटी, हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है. ये एक मिसकॉन्सेप्शन है कि लोग कहते हैं खट्टी चीज़ें खाने से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं. अनार खाएंगे, आपके एथराइटिस के पेशेंट हैं वो बहुत ज़्यादा रिकवर होंगे. मेनोपॉज के बाद जो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, बेस्ट फ्रूट. सूथ स्टमक, वो जैसे मैंने स्टमक के बताया. इम्प्रूव इम्यूनिटी, हाई इन विटामिन सी एंड एंटीऑक्सीडेंट, पॉलीफिनॉल्स, आप क्या क्या मैं नाम लूँ, शो ख़त्म हो जाएगा. इतना अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है. अल्लाह ताला ने क्यों दिया इसे सर्दियों में और एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए दिया कि आपकी बॉडी में सारी चीज़ें स्टोर हो जाएँ ताकि वो बाय द ईयर आप यूज़ कर सकें, इस्तेमाल करें, इसको इस्तेमाल करें. अब हिनस की जो बीज है बहुत सारे लोग चबा के खा जाते हैं, खा सकते हैं. देखें अल्लाह ताला ने ना ये जो दुनिया में जितनी चीज़ें दी हैं ना बहुत ब्यूटीफुली उसको स्ट्रक्चरली डिज़ाइन किया है. अगर इसका बीज नुकसानदेह होता तो इसको निकाल के बाहर करने की जगह होती हमारे पास कोई ना कोई, जैसे हम आम की गुठली को फेंकते हैं, ठीक है ना, सेब के बीज को भी हम फेंक देते हैं, वो अल्लाह ताला ने वैसे डिज़ाइन किया हुआ है. कीनू के बीज को भी फेंकते हैं, लेकिन इसके बीज को हम नहीं फेंक सकते. दे आर गुड, ये भी हमारी किडनी को क्लीन कर रहे होते हैं इसके बीज. इसके बीज स्टोन प्रोड्यूस नहीं करते. बहुत सारे लोग चबा के कहते हैं हड्डी है उसकी. प्रोटेक्ट कार्डियोवैस्कुलर, वैसे बहुत जबरदस्त. प्रोटेक्ट कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है. इसमें जो पॉलीफिनॉल्स है ना और ये कोलेस्ट्रॉल से फाइट करता है, आपके ट्राइग्लिसराइड को बैलेंस करता है. विटामिन सी इतना पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और इसमें बेहतरीन मकदार में मौजूद. हम अनार के बारे में और बात करेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद. खवातीन हज़रात, आप देख रहे थे मॉर्निंग स्टार और हिना अमी समय साथ हैं और हम बात कर रहे थे अनार पे. अनार के इतने बेनिफिट्स, अभी भी लोग थके नहीं होंगे. लेकिन मुझे हिना एक बात है कि वाइट अनार और लाल अनार कुछ लोगों की प्रेफरेंस होता है कि नहीं यार हम रेड नहीं खाते. हाँ. उसके वो वाइट ज़्यादा फायदेमंद होता है, इसमें क्या मिथ्स है, क्या इसमें कोई एज सच नहीं है. देखें कीनू की भी कितनी सारी किस्में होती हैं, अलग अलग कलर और अलग अलग फ्लेवर से निकल रहा होता है. तो वाइट और रेड दोनों ही अनार बहुत बेनिफिशियल है. सेम चीज़ है, सेम चीज़ है. ऑलमोस्ट थोड़ा सा न्यूट्रिएंट कहीं ना कहीं ऊपर कम और ज़्यादा है, कोई एज सच ड्रास्टिक चेंज नहीं है. ठीक है ना, ये तो अनार की मर्ज़ी थी कि वो बेचारा वाइट अंदर रह गया और रेड नहीं हुआ. इम्प्रूव मेमोरी, आपकी मेमोरी. आप जो तैयार हो के आ जाइए, आप अनार को एक ट्रिब्यूट दे रही है, आधा वाइट आधा रेड. आधा वाइट, ये तो आपने कह दिया, आधा वाइट है भाई, मैं आधी रेड हूँ, मैं अनार थी, मैं रेड नहीं हो पाई पूरा. जी अच्छा जी, एनीमिया, आपके हीमोग्लोबिन लेवल्स, जिनको मैं ये कहती हूँ कि जिनको थैलेसीमिया भी होता है, थैलेसीमिया माइनर के लोग, कभी भी आयरन की टेबलेट्स हम नहीं ले सकते क्योंकि लिवर पे इफ़ेक्ट होती हैं, उनके लिए अनार बेहतरीन फ्रूट है. कि थैलेसीमिया के पेशेंट्स भी अनार लें तो बहुत फ़ायदा होगा और उनको नुकसान कोई नहीं होगा. हेयर लॉस के लिए एक रेमेडी भी बनाऊँगी मैं भी अनार से. और हेयर लॉस में इसलिए फ़ायदा है क्योंकि अनार में विटामिन सी है, आयरन है और बहुत सारी ऐसी विटामिन है कि जो कि हेयर की प्रोटेक्शन के लिए बहुत अच्छी हैं. रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, आपकी बॉडी में जो दर्द होने वाले चीज़ें हैं उसको कम करता है. जो इन्फ्लेमेशन बॉडी में बनना शुरू हो जाती है, ठीक है ना, उसको कम करता है क्योंकि आपके स्ट्रेस लेवल को कम करता है, इसलिए इन्फ्लेमेशन नहीं होगी. बॉडी को डिटॉक्स करता है, तो जब बॉडी में कोई एंजाइम्स अक्यूमुलेट नहीं होंगे, टॉक्सिन्स वहाँ पर नहीं बैठेंगे, तो ऑब्वियसली इन्फ्लेमेशन ख़त्म हो जाएंगी. स्ट्रेस लेवल को कम करता है. आप अनार का जूस एक ग्लास रोज़ पीना शुरू कर दें, वो जो मैंने स्टार्टिंग में रेसिपी बताई,
और फिर आप देखें कि आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होता जाएगा। मुझे एक बात बताएं, अब है ना कुछ लोग कहते हैं कि फल जो है इसके जूस से बेहतर है कि चबा के खाएं, इसमें फाइबर है। आप क्या रेकमेंड करते हैं? मैं भी रेकमेंड यही करूंगी कि आप इसको चबा के खाएं, लेकिन जो मैंने अभी रेसिपी बताई ना कि इसको थोड़ी देर बैठने दें तो थोड़े से बीज बैठ जाएंगे, लेकिन जो उसका पल्प है ना फाइबर के साथ वो वहीं रहेगा, हमने उसको छाना नहीं है। ठीक है, छानना नहीं है, छानने लोअर। अच्छा, गुड इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में बेस्ट फ्रूट है अनार, आप खाएं तो आप भी खूबसूरत होंगे और आने वाला आपको बच्चा भी। एंटी एजिंग प्रॉपर्टी, एंटी एजिंग इतनी उसमें प्रॉपर्टी है कि अभी मैं इसका मास्क भी बताऊंगी, तो आपके रिंकल्स भी लिफ्ट करता है, आपको वाइटनिंग ब्राइटनिंग इफेक्ट भी देता है और ग्लो देता है, डेड स्किन को रिमूव करता है आपकी स्किन से, और प्रिवेंट प्लाक, आपके दांतों की सफाई के लिए भी बहुत अच्छा है। यानी अनार का ये पाउडर मेरे पास पड़ा हुआ है, अनार का पाउडर में आप थोड़ा सा चुटकी बेकिंग सोडा मिला के थोड़ा सा दांतों पर ऐसे मलें, गार्गल करें, आपके प्लाक भी कम हो जाएंगे। और इसके साथ साथ स्किन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, हेयर हेल्थ स्किन हेल्थ दोनों के लिए बहुत ही फैंटास्टिक है। अच्छा, आज हम क्या बता रही हूँ, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जब स्किन की बात हो रही है तो मैं स्किन का एक ऐसा मास्क बता रही हूँ जो कि बहुत इजी है, आपकी स्किन को एक्सफोलिएट भी ये करेगा, आपको वाइटनिंग ग्लो भी देगा, और जो थोड़े से ड्राई पैचेस हो रहे हैं, टू टोन सी स्किन हो रही है, उसको भी ठीक कर देगा। क्या करना है, एक टेबल स्पून आपने लेना है दही का। अच्छा, दही आ गई। अब ये मेरे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ पड़ी हुई, अनार दाने का पाउडर है, ये पूरा जो अनारदाना सूखा मिलता है उसका पाउडर भी मिलता है, ये हल्का सा दरदरा सा होता है, थोड़ा सा बहुत बारीक इसके ग्रैन्यूल्स होते हैं, आप ये देखें तो, ये मैंने ले लिया एक क्वार्टर टीस्पून, ये डाला। अब इसके साथ साथ मैंने डाल दिया इसमें, ये आती है समंदरी झाग, ये भी बिल्कुल मैंने एक पिंच डाल दी, ठीक है ना, ये वाइटनिंग बहुत अच्छी कर देती है आपकी। ये थोड़ी सी टर्मरिक डाली, हल्दी, एक बहुत अच्छा सा मास्क बन रहा है जिससे आपको, ये पूरा ऑल इन वन मास्क है, यानी ग्लो भी करेगा, आपको वाइटनिंग भी देगा। और इसमें थोड़ा सा डाल दिया मैंने लेमन जूस एक टीस्पून, इसको मैंने मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद पहले आप किसी भी फेस वॉश से फेस वॉश करेंगे, और अगर होममेड फेस वॉश मैं आपको बताऊँ तो देयर इज़ अ वेरी सिंपल होममेड फेस वॉश, एक चम्मच मूंग की दाल के आटे से पहले आपने फेस को वॉश कर लेना है, उसके बाद ये मास्क लगाना है आपने और 15 मिनट तक फेस पे रखना है। फेस पे रखने का इसको बहुत आसान सा तरीका है कि पहले आपने मास्क की एप्लीकेशन की, जब वो 70% ड्राई हो जाए तो एक वाटर स्प्रे उस पर करें अपने फेस, उसके बाद दोबारा उसको सर्कुलर मोशन में मसाज करें, फिर उसको कंप्लीट 15 मिनट्स तक ड्राई होने दें, ठंडे पानी से मुंह धोएं, हल्का हल्का सा टैप करें, फिर आप देखें कि आपकी स्किन पे क्या ग्लो आता है। तो ये हो गई हमारी रेमेडी नंबर वन, आपके वाइटनिंग ग्लो और एंटी एजिंग मास्क। अब आ रही है रेमेडी नंबर टू, और वो बहुत आसान है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं, उनके पेट में दर्द होता है, और बड़ों को भी अक्सर यही शिकायत होती है, खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा होता, अक्सर डाइजेस्टिव इश्यूज आ रहे होते हैं, IBS के लिए बहुत अच्छा है। ये हैं अनार के ऊपर के छिलके, सुखा लें। अनार वो फ्रूट है कि जिसका छिलका, जिसका बीज, जिसका ऊपर का वो जो है ना क्राउन, हर चीज़ उसकी फ़ायदेमंद है। ये हैं उसके छिलके। इसके साथ आ गए ये अनार के फूल हैं, ये आपको पंसार के पास बहुत आसानी से मिल जाते हैं। इन दोनों को उबाल लें, इन दोनों को बॉईल कर लिया आपने, 3-4 फूल ले लिए, ये कुछ छिलके ले लिए सूखे, ठीक है, सूखे छिलके ना हो तो आपके पास फ्रेश अनार पड़ा हुआ है उसका छिलका ले लिया, 2 ग्लास पानी में आपने इसको बॉईल किया, इसका कहवा बन जाएगा, पूरी फैमिली पी सकती है, IBS के पेशेंट्स पी सकते हैं, जिनके पेट में कीड़े हैं वो पी सकते हैं, जिनको भूख नहीं लगती वो पी सकते हैं, जिनको बिला वजह क्रैम्प्स आते हैं पेट में वो पी सकते हैं, जिनको डायरिया की शिकायत रहती है वो भी पी सकते हैं, तो इंशाल्लाह ताला बहुत फ़र्क पड़ेगा। तीसरी रेमेडी मैं बना रही हूँ, एक हेयर का ऐसा मास्क है जो कि आप लगाएंगे तो आपके बाल मजबूत भी होंगे, शाइनिंग भी उनमें आएगी, और जो डैंड्रफ है वो ख़त्म हो जाएगी। उसमें आपने क्या करना है, आपने 3-4 टेबलस्पून लेना है अनार का जूस, मैं ऐसे ही ले रही हूँ क्योंकि वो चम्मच थोड़ी सी ख़राब है, नहीं ये गाजर का जूस है, सॉरी दोनों रेड रेड था तो मैं थोड़ी सी परेशान हो गई। 3-4 चम्मच लेना है गाजर का जूस, क्योंकि ये भी हाई इन आयरन है और विटामिन सी। अनार का जूस लेना है 3-4 चम्मच, दोनों हम एक जितने ही लेने हैं ना, इसको मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा इसमें डालना है लेमन जूस। अब ये जो लिक्विड बना है इसको आपको, अगर आपके पास टाइम है, इसके दो तरीके बता रही हूँ मैं आपको लगाने के, पहले तो आपने शैम्पू कर लिया
और आज आप अपने फ्री डे पर हैं, यानी हेयर स्पा डे पर हैं, तो आपने शैम्पू करने के बाद टॉवल ड्राई बालों में आपने क्लीन रूट्स में कॉटन लेनी है, कॉटन का बॉल बनाना है या स्प्रे गन लेनी है, कुछ भी ले सकते हैं। स्प्रे गन इज़ द बेटर ऑप्शन। स्प्रे गन से रूट्स में और पूरे हेयर्स में आपने इसको स्प्रे कर लेना है। रूट्स बहुत बेहतरीन है, रूट्स में स्प्रे करें, आपकी डैंड्रफ ख़त्म हो जाएगी। और इसके बाद आधा घंटा इसको बालों में लगा रहना है। आधे घंटे के बाद आपने बालों को सादे ठंडे पानी से वॉश कर लेना है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं लगाना, सिर्फ एंड्स पे थोड़ा सा सीरम लगाएं अपने बालों पे, और आप देखेंगे आपकी डैंड्रफ ख़त्म हो जाएगी और बालों में इतनी फुलनेस आएगी, फ्लफी से अच्छे से घने घने बाल हो जाएंगे आपके। तो अनार के तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं कि ये कम थे, लेकिन आप लोगों ने तो जितना अनार खाएंगे उतना ज़्यादा बेहतरीन है। अनार खाएँ, अनार लगाएँ, अनार का जूस पिए, बेहतरीन रेसिपीज़ हैं, उसको ट्राई करें, तो अनार से तो अच्छा कोई फल नहीं है। है ना, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। खवातीन रोजात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।